नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हमारे साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के नर्सिंग अधीक्षक राजेंद्र जी जोशी, आपका स्वागत है सर। यहां पर अभी नीरज के पवन जो संभागीय आयुक्त महोदय हैं उनका दौरा हुआ था और उनके निर्देशानुसार एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है 14 मई को। इस रक्तदान शिविर के दौरान किस तरह के निर्देश प्राप्त हुए हैं आपको, इसके बारे में बताएं। रक्तदान शिविर जो कि संभागीय आयुक्त आयुक्त महोदय के यहाँ पर विजिट के बाद में निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि सागवाड़ा ब्लड बैंक में इतनी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर रक्तदान शिविर में कई लोग और कई राजकीय कर्मचारी जो कि स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी अभी कैंप नहीं होने से और आए दिन कई मरीज जिनको कि रक्त की आवश्यकता बहुत पड़ती है वे यहाँ मैनेज नहीं होता है तो बाहर से खरीद कर गुजरात से एवं अन्य जगह से लेकर आते हैं। ऐसी समस्या को देखते हुए हमारे संभागीय आयुक्त महोदय ने ये निर्देश दिया कि सागवाड़ा में भी एक रक्तदान शिविर होना चाहिए और इस रक्तदान शिविर का नाम मेगा रक्तदान शिविर के नाम से हम यहाँ पर उसको दिनांक 14 मई को करने जा रहे हैं। सभी से निवेदन है, अनुरोध है और इसमें राजकीय कर्मचारी जो कि विशेष रूप से इस रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान देकर इस योजना इस कार्य को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। इसके अलावा स्वेच्छा से भी जो भी व्यक्ति अपना रक्तदान अगर करना चाहता है तो वह भी सादर आमंत्रित है। हम सभी को मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है एवं इसी इस से कई रोगी जिनको की ब्लड की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और हमें दुआएं भी देंगे और हमारा ब्लड किसी के काम आएगा तो भगवान भी हमें आशीर्वाद देगा। यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूंगा सर कि जैसे कि कोई रक्तदान करने आता है तो उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि वो सुबह जैसे रक्तदान देने आएगा तो क्या करेगा वो? जैसा ऐसी कोई खास बात नहीं होती है, रोज की तरह हल्का नाश्ता दूध और जो भी नाश्ता अवेलेबल हो वो करके आवे। और एक जो गलतफहमी है दिमाग लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि अगर ब्लड देंगे तो कमजोरी, ऐसा है ब्लड 7 दिन के अंदर अंदर वापस ऐसा बन जाता है और इससे कोई कमजोरी आने वाली कोई बात नहीं। रक्तदान करने से रक्त में कुछ फायदे भी होते हैं ऐसा भी मेडिकल तर्क दिया जाता है, तो क्या फायदे होते हैं उसके? इसमें स्पेशली क्या होता है कि रक्त की सफाई भी हो जाती है, ब्लड जो गाढ़ा होता है तो थोड़ा उसे भी पतला होने की संभावना रहती है, मतलब कि जो थक्के जमते हैं ब्लड के फायदा होता है। हाँ, वो रक्त के थक्के थोड़े कम हो जाएंगे और रक्त देने से किसी प्रकार की कमजोरी या अपने मानसिकता है उसको थोड़ा वो करें और निश्चित रूप से अपना रक्त दान कर इस आयोजन को सफल बनाने में हमें पूर्ण सहयोग करें, ऐसी आशा है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा सर कि जैसे कि किसी ने रक्तदान किया आज की डेट में तो उसको दोबारा अगर रक्तदान करना है तो कितना समय मांगता है वो? वैसे कम से कम 90 दिन 3 महीने का समय जो होता है उसमें वापस रक्तदान कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई घबराहट या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं होती है, यह हमारे चिकित्सा विभाग की तरफ से ऐसा बताया गया जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कोई रक्तदान करता है तो यहाँ एक बात पुरानी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि अगर रक्तदान आप करते हो और न चाहे भगवान अगर कहीं आपके कोई ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो ये देखा जाता है कि आपका रक्त बिल्कुल नहीं निकलेगा, मतलब कि ऊपर वाला आपकी सुरक्षा करेगा अगर आपने रक्तदान किया है तो। ये यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बताते हैं, ऐसी उनकी धारणा है। तो हमें भी रक्तदान जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर हम रक्तदान करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या प्रेगनेंसी में अगर महिला सिजेरियन हो रहा है उसको रक्त की जरूरत है तो हमारा रक्त अगर उसको मिलेगा तो बहुत ही बड़ा
पुण्य लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। और जिस तरह से संभागीय आयुक्त महोदय ने यहाँ पर रक्तदान के लिए मेगा शिविर का आयोजन किया है और 14 मई को रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर आप सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको ज्यादातर निर्देशित किया गया है कि आप अवश्य रक्तदान करें, लेकिन आप भी अगर रक्तदान करना चाहें तो स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर? इस कार्यक्रम को सफल बनाने हैं तो हमारे पीएमओ साहब श्रीमान उमेश जी परमार साहब ने भी सभी से अनुरोध भी किया है कि इसमें राजकीय कर्मचारी, कार्मिक एवं चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों से और अधिकारियों से ये बताया, अनुरोध किया है कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने हैं तो अपना सहयोग निश्चित रूप से देवें। और धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर पीएमओ जो हमारे यहाँ पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश परमार, उन्होंने भी अनुरोध किया है, उन्होंने भी विनती की है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर का जो रक्त है वो साफ होता है, और रक्तदान हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि रक्तदान अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में अगर कोई ब्लड में अशुद्धियां हैं या फिर अगर आपने बहुत लंबे समय से आपके रक्त की जांच नहीं करवाई है तो यहाँ पर रक्त की जांच भी हो जाती है, और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पता चल सकता है, तो समय रहते आपका उसका इलाज भी हो सकता है। तो रक्तदान अवश्य करें, रक्तदान महादान, किसी की जिंदगी बचेगी तो बहुत ही बड़ी आपको दुआ मिलेगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।